हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है कि हम किसी भी मैटलैब फाइल को .m फाइल को कन्वर्ट कैसे करते हैं .exe फाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बेसिक प्रोग्राम ले लिया हुआ है जो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया था, गैसिंग गेम वाला, जिसमें हम एक नंबर गैस करते थे। तो अब मैं इस फाइल को जो है वो कन्वर्ट करूँगा .exe फाइल में। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी फाइल को .exe में कन्वर्ट करते हो तो लास्ट में आप एक कमांड ज़रूर यूज़ कर लीजिए, दैट इज़ पाउज। ये क्या करेगा, आपका जो .exe फाइल है उसका आउटपुट को होल्ड करके रखेगा। तो चलिए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं .exe फाइल में। तो उसके लिए आप अपनी कमांड विंडो में टाइप कीजिए डिप्लॉय टूल। डिप्लॉय टूल एंटर करने के बाद वो आपसे प्रोजेक्ट का नाम मांगेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी जो है वो नेम दे सकते हो प्रोजेक्ट का, जैसे मैं यहाँ पर अपना ही नाम दे देता हूँ, दैट इज़ अरविंद। तो प्रोजेक्ट का नेम देने के बाद आपने सिंपली इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आएगी, दैट इज़ ऐड मेन फाइल। तो यहाँ पर आप अपनी जो फाइल है एम फाइल उसको ब्राउज़ कीजिए। फाइल को ब्राउज़ करने के बाद सिंपली इसको ओके कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी बिल्ड की। तो यहाँ से आप इसको बिल्ड कर दीजिए। अब जैसे आप बिल्ड पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक एरर जो है वो आएगा, दैट इज़ एम बिल्ड सेटअप टू स्पेसिफाई। तो सबसे पहले हम इस एरर को रिमूव करते हैं। तो इसको ओके करके मैं इस फाइल को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसके लिए आपने अपनी कमांड विंडो में चले जाना है। यहाँ पर हम सिंपली टाइप करेंगे दैट इज़ एम बिल्ड हाइफन सेटअप। इसको एंटर कीजिए। अब यहाँ पर आपको वो पूछ रहा है कि अपनी स्टैंड अलोन की जो है वो कंपाइलर सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप सिंपली यस लिख कर एंटर कीजिए। अब फर्स्ट पे कंपाइलर आ रहा है, ज़ीरो पे नन है, तो मैं यहाँ पे वन लिख कर एंटर करूँगा। आर दिस करेक्ट, यस, एंटर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एम बिल्ड सेटअप। दोबारा से हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। अब फाइल जो ऑलरेडी सिलेक्ट थी, अब जब मैं इसको बिल्ड करूँगा तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, हमारा जो बिल्ड वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आप इसको सिंपली क्लोज़ कर दीजिए और इस विंडो को भी हम लोग क्लोज़ कर देंगे। अब देखिए, हमारा करंट फोल्डर के अंदर आपका उसी नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है, अरविंद नाम से। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। इस फोल्डर के अंदर आपको दो फोल्डर मिलेंगे और इस फोल्डर के अंदर आपको उस नाम से .exe फाइल जो है वो मिल जाएगी। यहाँ से आप सिंपली इस फाइल को हम लोग जो हैं वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको कहीं पर भी जो है वो प्लेस कर दूँगा। तो डेस्कटॉप पे पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं इस फाइल को क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हो हमारी जो सेटअप है वो ओपन हो चुका है। तो जो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली हमने जो भी प्रोग्राम बनाया होगा, डिफाइन किया होगा, वैसी वो आउटपुट मांग रहा है। अब जैसे गैसिंग नंबर का था तो ये वहाँ पर वो मांग रहा है कि एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। तो मैं कोई भी एक नंबर एंटर करता हूँ, द इज़ हाई। तो दोस्तों, हमारा जो एग्जैक्ट नंबर था वो था 9। तो इस तरह से हम किसी भी .m फाइल को जो है .exe फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।